जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके जीवन से जुड़े अनमोल बातें। इससे पहले कि ये बातें हम प्रारंभ करें, आप कृपया मेरे चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों, इस वीडियो का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप संभव हो तो कृपया हेडफोन लगा लें। श्रम करने से शक्ति बढ़े या ना बढ़े, पर सहायता करने से शक्ति अवश्य बढ़ती है। दर्पण में मुख और संसार में सुख बस दिखता है, होता नहीं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूरज और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तभी चमकता है। मित्रों, राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे। और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जीना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह अभी कितनी बाकी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जो व्यक्ति अच्छाइयाँ देखने की आदत बना लेता है, उसके अंतर जगत का निर्माण शील गुण दैवी तत्वों से होता है। उनमें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की गंध नहीं होती। जिसके कारण अच्छाई देखने का सद्गुण मौजूद है, वह पुरुष अपने चरित्र की प्रभा से दुराचारी को भी सदाचारी बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं कीमती चीजों में से एक है। मित्रों, जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। बिना सोचे जो हो जाए वही प्रेम है। सोचकर जो करते हैं वह एक गेम है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना प्रारंभ कर देता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो और विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या अगर आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती है, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो
पल पल बदलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब हमेशा याद रखते हैं। मित्रों, यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं, यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं ही जाते हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही बिल्कुल सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छिन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है, बस अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से कभी नहीं बच सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना वही खुशी देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं।
तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही होता है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं किया है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन बस इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत नहीं हो जाते। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।